बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन और भाई, अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, आने वाली हर दुख तकलीफ तो अल्लाह ताला निजात दे। इससे दुआ ना, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट करते हैं, साडा फीस भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बैल का बटन प्रेस करो, ताकि साड़ी आने वाली हर वीडियो बार वक्त को टाइम तक पहुँच सके। आज की वीडियो में कुछ इस तरह वा कि मैं बच्चे कह रहे थे कि सानू मम्मा अज कोई अच्छी चीज़ बना के दे। अच्छी चीज़ तो बस इतनी खास नहीं है, लेकिन मैं हूँ बनावगी और ना ना अपने भैन भाइयों दिखावगी। और सब तो पहले मेरा जरा बूटा वा माल्टे का वेड़े च लग्या सब्ज़, तो इन सब्जियां थोड़ा जा सैट करवावगी अफीस को, इन्होंने कहोंगी कट के देन जरा, तो टाहनियाँ बहुत ज़्यादा नीचे लटकदा। सारा पौधा है तो सैटिंग करनी है ताकि इतों बसी गुजरी है, फिर इस साले के कंडे लग दें सू ठीक है। कटिंग की सामने जी डाली एक लटकती पी है ना, आ नीचे एनु जरा कटो ये तो जोर लगाओ। हाँ हाँ इन भी कर दो। अच्छा है देखो ए परिंदा बैठा होया, इन्हें आंडे दिते ने अपने घोंसले के बैठा अपने घर के ना। ये देखो अगे पता नहीं, देखो जी जैन दे पापा जोर लगा रहे हैं। देखो अजल ही खैर करे, छोटी छोटिया टालियाँ बहुत ज़्यादा ही खलारा पाउंदियां, लेकिन एक टाली तो उन्होंने हिम्मत मारी माशाल्लाह कट दीती है। चलो अल्लाह खैर करे। अच्छा वो घुगी हले उठ के तो नहीं गई, बिच बैठी है। देखो बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ जी थोड़े दो तीन होर कर दो, ये थोड़ी छोड़ी लटकदियाँ ना इन्होंने कर दो जो मूँह उत्ते लगदी है बिल्कुल है ना अपने आंडे के उपर बैठी देखी ए वाली घुगी बैठी। लो जी घुगी विचों हिलिया वा बूटा तो घुगी उड़ गई है। यह टाणियाँ बहुत लटकदियाँ नीचे, मैं जो नीचे लटकदियाँ इन्हों कट दो क्योंकि मेरे बहनोई आते होंगे वो सैट करके दे जाते हैं, ऐसा भाव नहीं आए तो फिर उत्थे दी उत्थे मतलब लगिया हुई। बस थोड़ी जी रह गई, बस ये वाली कट दो फिर बस करो बेशक ना। लेकिन इस बूटे का बहुत फायदा माशाल्लाह, इस बूटे नाल तो समझो कि जिंदगी है साड़ी, इहदा माशाल्लाह बहुत फायदा। सुबह पूरे सेन धुप आ जाती है। लो दो टालियां सी है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही सी मैं कर दी। इस तो बाद और देखेंगे, अगर किसी और टाइम तंग किया तो फिर उन्होंने कटेंगे, नहीं तो गर्मी है ना इस वजह से थले छाँ थले भी बहन होता है, इस वास्ते बाकी असं ज़्यादा इन्हों नहीं करते। मेहरबानी मेहरबानी है पी साहब, मेहरबानी मेहरबानी, शुक्र आ जिन्ना तो कर दिता इन्होंने, तो करते नहीं किसी काम हाथ नहीं लगाते, ये तो सारे घर के काम मैं ही करा। ये तो बहुत कोई ऐसा मतलब अपने कहें बाहर वाला काम मैं जिन्ना मर्जी करवा लो, घर का कोई काम ना हो, लेकिन शुक्र आ मेहरबानी इन्हों मेरे मुँह तो टाणियाँ वजदियाँ सी इन्होंने कट दतिया। लो जी हूँ मैं इतने जोड़ा सी इतों इन यदा खलारा समेट लें, समेट के उस तो बाद फिर मैं अपने भैन भाइयों नाल दिखावगी कि मैं अपने बच्चों वास्ते क्या बना रही हूँ। हाँ जी क्या हुआ मेरे बेटे को, मम्मा क्या करें क्या करें मम्मा? लो जी मैं चूल्हा चला रही हूँ। कढ़ाई ऊपर मुझे रोटी वाला रुमाल तो मैं भूल गई हूँ बेटिया। फिर भी पता तो चले क्या बनाने लगे हो। अभी देर ना हो गई, लो जी हम पा ली मेरे बच्चे के घे थोड़ी देर गर्म हो दें, उस तो बाद घे बना। मैं तुम दसना चाह रही मेरे बच्चों ने फरमाइश से कुछ, मैं तुम जरा सरप्राइज देना चाहती हूँ। मेरी लीजा तो नहीं गोश्त खाती, तो मैं भी खानी हाँ, तो मैं जैन के पापा भी खाते हैं,
अच्छा जैन भी खा लेंगे। जैन कह रहे थे कि मुर्गी के पीस जो ना वो नवा तल के दो। अच्छा मैं कहा चलो ठीक है, तलीजा वास्ते फिर मैं अंडा बनाऊंगी तो अपने वास्ते मुर्गी का मैं गोश्त बना लेंगी। अच्छा वाह भाई वाह, मुर्गी का गोश्त किस तरह बना रही है, पीस तल रही है मतलब ना। अच्छा हाँ मुर्गी का अलग पीस गए तो मैं तल तल रही हूँ इन्ना कुछ अच्छे तरीके ना कि गर्म हो गए ना उस तो बाद फिर पावे। देखो मैं बना के रखे से मसाला वगैरह लगा के रखा से फिर मैं क्या मैंने ना तेल तल दी। उस दिन भी जैन कह रहा सी मम्मा पीस नहीं बनाए काफ़ी अच्छा हो गया बनाए, मैं अच्छा बेटे बना दूँगी। फिर मैं अब डिसाइड किया मैं चलो मैं बना दूँगी ना, फिर मैं भेजा इन्हों के गर्म हो गया हूँ मेरे बच्चे चिकन का पीस पाता। चटने भी मुश्किल हो रहे हैं दो दो करके तलेंगे, ज़्यादा नहीं तलेंगे दो दो करके रिच पावगी मैं ताकि अच्छे तरीके ना तले जान। अग भी थोड़ी हल्की करांगी, हल्की अग से ज़रा बेहतर तले जाएंगे। तो कितनी देर तैयार हो जाते हैं? टाइम तो लगता थोड़ा जहाँ, इतनी देर तो ना तो खैर नहीं लगती लेकिन थोड़ा टाइम तो लगेगा। अच्छा हाँ जी चलो जी, ये भी डिश चेक कर दें किदा पकती है तो किदा दी लगती है, क्योंकि अगर रमज़ान शरीफ आ रहा है, रमज़ान शरीफ है तो ये सारी चीज़ा फिर जरूरी है। हल्की अग से तलेंगे ना ताकि अच्छे तरीके ना तले। चल ना एक पीस और पा दी गैस तो हैगी लेकिन मैं दो ही करके तलेंगी ना ताकि जरा अच्छे तरीके ना तल जाएंगे ना घेरे अंदर। अज कुछ खाने का भी इतना खास नहीं हो रहा है ना कि क्या डिसाइड नहीं हो रहा मैं क्या बनावा की करा। फिर मैं जैन ने कहा मम्मा पीस, मैं कहा चलो पीस बना लेने लीजा वास्ते अंडा बना लूँगी, अंडे ना लीजा रोटी खाएगी तो लीजा अंडे ना रोटी खा लेंगे जिन्हें लीजा ने करना है। उधर वैसे दोपहरे मैं वो भी बनाई थी थोड़े दिन खिचड़ी भी बनाई थी बच्चों वास्ते हल्की हल्की अग दे अच्छे तरीके हूँ मैं ना जरा दिल इन्हों का पासा चेंज कर लेंगे। माशाल्लाह बड़े अच्छे लगते भैन तैयार होंगे हुए, तैयार हो खावे पता लगेगा फिर है कि असल तो मेहनत तो फिर पता लगेगा ना। मैं मेहनत कर दी हाँ कि मेरी मैं बना के दवा खुश होकर खान ठीक है ना, तुम हर वक्त मैंने फिर इस तरह कहते रहने ना कि तारी मेहनत का पता चलेगा, हाले भी मेरी मेहनत का पता चलना खान लगे भी मज़ा आता थानू तो पहले भी मैंने सुनाते रहते हो कि मेहनत का पता चलेगा। चलो कोई गल नहीं खैर एवं तो होंगी रही। लो जी मेरे दो पीस तैयार हो चुके हैं और मैं इन्होंने दोनों निकाल देनी हूँ। वाह भाई वाह माशाल्लाह। दूसरे दो पीस तैयार कर दिए, एक मैं अपना बनाया सी, दो मैं जैन के पापा दे मंगवाए सी और एक जैन ही रहेगा, जैन एक तो ज़्यादा नहीं खाएगा। चार पीस ही बनाए सी, बड़ी मुश्किल के नाल ना हाथ खाते हैं। वैसे भी अगे रमजान शरीफ वास्ते इस तरह की चीज़ा मैं कुछ ना कुछ बना ही रही हाँ, क्यों रोटी तो नहीं इतनी ज़्यादा खाई जाती, समोसे पकौड़े हो गए इदा चीज़ा हो गई वैसे बनानिया सी फिर मैं बनाई नहीं
छोटा बच्चा करके, क्योंकि फिर छोटे बच्चे नाल फिर नठ भज कर दिया करते सारा दिन ही गुजर जाता वा। अज मैं पूरा दिन सौ के नहीं देखा कि किस तरह सो जाता वा, सारा दिन काम से गुजर गए, फिर घर के काम भी ज़्यादा हो जाते हैं। जी साढ़े अभी पीस तैयार हो गए माशाल्लाह, थोड़ी जी कसर आ गई है। लो जी साढ़े पीस तैयार हो गए ने, यह भी बन गए ने, चार पीस भी मैं बनाए थे तैयार हो गए। हूँ मैं चूल्हा बंद कर देनी है और हम खाना में निकाल लेनी है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है भैन भाई, बहुत अच्छा लगता है भैन। इन्हां नूं टेस्ट करके देख दें। हाँ, कैचअप ले के आनी है। हाँ जी, कैचअप ना खाने हैं। हाँ, कैचअप ना थोड़ा टेस्ट निकल जाता है ना। हाँ जी, लो जी साडा पीस बिल्कुल तैयार हो गए हैं, कैचअप नाल खाने हैं हम बैठ के, फिर पता चलेगा जैन के पापा कि कैसे बने कैसे नहीं। मैं वैसे भी मैंने एक गल याद आई कि मेरे भैन भाई बिच कमेंट कुछ भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं कि तेरा नाम की है। मेरा नाम साजदा वा, तो शायद के जैन के पापा मेरा नाम नहीं बुलाते, अस एक दूसरे का नाम बहुत कम बुलाईदा वा, तो अस नाम नहीं बुलाते ना जी। बेटे गरम 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 गरम, अस नाम नहीं बुलाते, अस नाम बहुत कम बुलाईदा वा। तो एक निकाल दो जुल्कनैन को, केचप डाल दो ताकि ये खा ले। ये खाना है आपने? देखा, ये बहुत शरारती बच्चा है, इसको माशाल्लाह बहुत चीजों का पता होता है खानी है नहीं खानी है। जी बेटे, ये आपने खानी है? आप ही ने बनी चीज़ मांगी, मैं आपको खिलाऊँ? अभी खिलाती हूँ मेरे बेटे ने, अभी खाना है, अभी खिलाती हूँ। ऐसे वीडियो का इतने एंड कर दी हाँ, ऐसी साड़ी आज की वीडियो मेरे भैन भाइयों अच्छी लगे, पसंद आवे, लाइक करो, शेयर करो, सानू कमेंट में जरूर दस्यो, सानू इजाजत, अल्लाह हाफिज़।